हेलो शाह, खुद भी बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुर्गियां भी कर रही है। बहुत ही खूबसूरत सा सनी वेदर है आज, आसमान बिल्कुल साफ है और ये देखे जी सुबह सुबह हमारे मुर्गे सब्जा खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा कि अब्दुल्ला को जो सरप्राइज साइकिल दी थी वो अब्दुल्ला ने बहुत खुशी से इंजॉय की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा लगा उसकी इस खुशी को देख के और आपके साथ भी शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और आज आपको पता 8 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। खैर से आज पोलिंग होने जा रहे हैं, इलेक्शन हैं आज, तो हमारा प्रोग्राम है चल के वोट कास्ट करने का। वोट कास्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको भी ज़रूर 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 जो है वो कास्ट करना चाहिए। अगर तो कर दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया किसी वजह से तो अल्लाह करे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कभी के होते हैं इलेक्शंस वगैरह तो आप ज़रूर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करिएगा, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी राय का इजहार करें अपने वोट के ज़रिए। मोहम्मद शाह, आपने अपने इर्द गिर्द और ज़्यादा मुर्गियाँ जमा कर ली, खुद भी खा रहा मुर्गियों को भी खिला ला चावल। सबसे पहले करते हैं चल के नाश्ता और नाश्ते के बाद जो है इंशाल्लाह निकलेंगे पोलिंग स्टेशन की तरफ। और ज़्यादा मुर्गियाँ जो है इकट्ठी हो गई हैं, अच्छा आप सब जा रहे हैं बतखों को खिलाने के लिए। लो ये डाल दिए, एक चम्मच खुद और एक जानवरों को, खुद भी खाओ खुद भी खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तैयारी कर ली आपने? आज है जी 8 फरवरी, बोर्ड का दिन और हम जा रहे हैं बोर्ड डालने के लिए। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ नाश्ता मैंने कर लिया, मैं जा रहा हूँ, आप आ जाए फिर जल्दी जल्दी। मैं अभी नाश्ता करना था, मैंने कहा इकट्ठे चलेंगे। चले यार मैं जा रहा तो इस तरह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जल्दी जल्दी जाके वोट डाल के आना चाहिए जैसे फुर्सत मिले। भाई मालिक नाश्ता करके जा चुके, हम भी जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। बाइक हमारी रेडी खड़ी है। वैसे आपने जाना वोट डालने? क्यों? मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। ओह चलो कोई बात, अगले साल डाल लेंगे। आपने जाना है? आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो फिर डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो चुका, अब पीते हैं चाय शाय और फिर निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए। अबू जी भी चाय पी रहे हैं बाहर धूप में, तो कर लिए नाश्ता चले। हाँ जी सर, अभी वोट कास्ट तो करना है ना। इंशाल्लाह लेके चलते हैं अबू जान को पोलिंग स्टेशन पे, यहाँ पे नज़दीक ही है। मैं आया ना पोलिंग स्टेशन पे तो तू चला जा सर नहीं ले आया आके तो वापसी पा ले जी। ट्विस्ट आ गया, मैं सोच रहा था अभी जाके जल्दी जल्दी वोट कास्ट करते हैं, लेकिन अभी जन कह रहे हैं कि असद को भी साथ लेके आए, असद भी वोट कास्ट करेगा। असद का भी पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पे गाँव वाला है और असद साहब फार्म हाउस पे बैठे हुए। चलते हैं अभी जन को उतारते हैं और साथ में लेके आते हैं असद साहब को वोट कास्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। असद और डोली का नाश्ता हमने दे दिया साथ, अबू जी को अब छोड़ते हैं पोलिंग स्टेशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ अबू जी। ओ सामने दरख्तों के पीछे पोलिंग स्टेशन है, लोग वोट डाल के वापस भी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की वहाँ पर तादाद जमा भी है और कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं वोट डालने के बाद। अबू जी को पोलिंग स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया, अब चलते हैं आसिफ साहब को लेके आते हैं, मैं और असद जो है वो इकट्ठे वोट कास्ट करेंगे। वे टू फार्म हाउस। कास्ट करने के हवाले से हमारे दही इलाके के लोग जो हैं वो काफी माशाल्लाह कमिटेड हैं। पूरे रास्ते में हमें कोई बंदा नजर नहीं आया, रोड पे कई दुकानों पे इधर उधर सब लोग जो है वो पूरे जोर शोर से वोट डालने का इस्तेमाल कर रहे हैं था, ये यहाँ पे छुप गए जंगली जानवर। और ये हम पहुँच चुके हैं फार्म हाउस पे
और डोली ने पता नहीं किसके साथ फाइट की हुई है, खून खून लगा हुआ इसके मुंह पे। हाँ भाई सट सुट खा दिए। असद साहब अभी तक कमरे से ही नहीं निकले थे, चाबी रह चली थी तेरी। ये कहते थे हमने यहाँ पे एंजॉय करने हैं, नज़ारा तो ये वाले होते हैं सुबह सुबह के एंजॉय करने वाले, पता नहीं देखते हैं और उठाते हैं जल के उन्हें सो रहे हैं या जागे वो अभी पता चलता। असद साहब पता नहीं अंदर है अभी है कि नहीं, आवाज़ तो कोई नहीं आ रही इसको बोलने की। साहब लगाए लोग वोट छोड़ डाल के हुकूमत बनाने के चक्कर में है और असद साहब जो है अभी उठ के दरवाज़ा खोला, क्या कहने भाई साहब। जल्दी जल्दी तैयारी करें वोट कास्ट करने जाना है, तैयारी करें वोट कास्ट करने जाना है, सोए नहीं अब उतरे उतरे जल्दी करें फिर नुक्कर में लग रहे हैं। उठ जाए ठंड कोई नहीं है चले तो और भाई वोट कास्ट करेंगे तो फिर मौसम गर्म होगा ना, चले गए जल्दी करें। और अब बस साहब को ऑर्डर है जी पहले चारपाई निकाले, इधर आराम से धूप में बैठ के नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद चलेंगे, तो सबको नाश्ता करवा के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। चारपाई निकालनी पड़ेगी भाई, सब बाहर निकले तो असद के पैट्स पे निकलना शुरू हो गए, हालांकि पैट्स वाला दरवाज़ा खोला भी नहीं था। क्या बात है, ये खोला पैट्स का दरवाज़ा, जब इनकी दौड़ रहे पैर को और ये निकलना शुरू हो गए इक्का दुक्का बगूतर असद के। असद का कमरा बंद कर देते हैं ताकि असद के बिस्तर पे जाके मैं ये आराम करने लग जाए। मैं यहाँ लेटे लेटे धूप में सो गया था और मेरे उठने से पहले पहले आ चुके हैं अब्बू जान। अजी वोट कास्ट कर रहे हो, दिखाओ ना हाथ वाला निशानी की लगी, तो ये जी अब्बू वोट कास्ट कर रहे हैं। अब्बू ने किस कैंडिडेट को वोट डाला वो अब्बू की मर्ज़ी और अब्बू का ही है, वो पहचानना पहचानना हमें उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए यही ज़रूरी था कि वोट कास्ट कर दिया। सब चले अब हम भी कास्ट करने, मैं नहीं जाना अब। क्यों आपने क्यों नहीं जाना? मेरा नहीं वो स्ट्रेन, मुझे सुबह से क्यों बिठाया हुआ इधर भी, मैं सुबह बताते मैं सुबह जल्दी जाके डाल देता, काउंट हो जाएगा लेट भी डालोगे। चले आए चलते, आपको छोड़ जाऊंगा आपके फार्म हाउस पे वापस, नहीं रखता उधर जाओ यार, आपको छोड़ जाता हूं इधर वापस चला। तो मेरे सोते सोते में असद की अब्बू जान से पता नहीं क्या बात हुई है जिसकी वजह से असद साहब को हो गया मूड ख़राब, तो वो अब नहीं जा रहे तो उसको अब तक कंपेल से लेके जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, वोट तो आज ज़रूर डलेगा इंशाल्लाह। यार मैं नहीं जाना, वोट तो ज़रूर डालना जाते मर्जी जाए वोट डाल के आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार असद साहब मान गए और बैठने लगे हैं मोटरसाइकिल पे, ले लेते हैं अबू आईपैड। माशाल्लाह असद साहब को भी हम ले आए हैं पोलिंग स्टेशन पे, भाई मुबारक ऑलरेडी यहीं पे खड़े। अस्सलाम वालेकुम, करता वोट कास्ट? मैंने कर दी, साडा लिस्ट है साडी असद दी थी कि नहीं वाला असद दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कास्ट हो गए हमारे वोट, अब इनको डालते हैं बैलेट बॉक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट भी कास्ट हो गया, असद साहब भी कास्ट करके आ गए, सही गए, दोबारा लगाने का तो प्रोग्राम ना वोट। वोट डालने के बाद अब घर आए हैं तो घर में बना रहा माशाल्लाह मज़ेदार सा पुलाव, अब ये खाते हैं और उसके बाद असद साहब को फार्म हाउस पे छोड़ने जाएंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं मैंने घर नहीं रुकना मैंने फार्म हाउस पे ही जाना है, इसी शर्त पर से लेके आया था कि उसे वापस छोड़ के आएंगे फ़ौरन। तबीयत हालांकि ख़राब है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा राइड करनी पड़ेगी, असद साहब की बात तो अब माननी है ना।
जल्दी खत्म करते हैं चावल। खुद ऐसा सा पता नहीं कहा ये प्लेट उनकी पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हो गया, हम निकलते हैं चल के असद को धूप धूप में जो है वो फार्म हाउस पे छोड़ते हैं, क्योंकि तबीयत जो है वो बिल्कुल हवा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। ज़रा सा सूरज ओट भी होता है बादलों की तो ऐसे ठंड होती है कि बस बातें छोड़ दो। टाइम 3:30 का हो गया और अब असद साहब को लेके जा रहे हैं हम जाके उतार देने फार्म हाउस पे और फिर हमारे असद साहब को असद के फार्म हाउस पे छोड़ दिया हमने। यहाँ से अब निकलते हैं घर को। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडकास्ट हो गया, असद से ब्रॉडकास्ट करवा लिया। बहुत बड़ा मार्का था आज हमारा, ये वाकई मार्का था, असद को बड़ी मुश्किल से मनाया था, आपने भी देखा ही है। ब्लॉग अपने यहाँ पे एंड करते हैं, आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।